अब यहाँ पर हमारे पास जो कैंपेन्स हैं, न्यू कैंपेन पे हमने क्लिक कर लिया। 8 टाइप्स के हमारे पास कैंपेन्स हैं। नंबर वन सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, एप्लीकेशन प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स। ठीक है, डिफरेंट मकसद के लिए हम डिफरेंट कैंपेन्स यूज करते हैं। अगर मुझे चाहिए, मैं मेरा सेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सेल्स के लिए मैंने अपनी कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे अपनी सेल्स के ऊपर फोकस करना है, तो मैं सेल्स के ऊपर जाऊँगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास लीड्स, लीड्स बोले तो यानी कि जैसे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसके सामने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसके अंदर अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर एंटर करेगा, देन आपके पास डेटा रिसीव हो जाएगा। इस मकसद के लिए हम लीड्स की कैंपेन रन करते हैं। अच्छा, लीड्स के लिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एफिलिएट का भी मैं आपको थोड़ा सा एक वो पॉइंट दे देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं और स्टोर्स हैं जो कि हमें लीड ऑफर करते हैं, और एक लीड के वो समटाइम हमें $1 भी दे रहे होते हैं, समटाइम $10 भी हमें वो देते हैं एक लीड जनरेट करने के। यानी कि आप ले लें फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनीज हैं जो लोगों का डेटा जमा करना चाह रही हैं कि लोगों के उनके पास फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह हो, लेकिन टारगेटेड या तो US का उनको डेटा चाहिए या फिर UK का उनको डेटा चाहिए, तो हमने जो कैंपेन क्रिएट करेंगे वो भी टारगेटेड होगी। अगर उनके पास US से कोई फॉर्म फिल कर देंगे ना, वो हमें लीड के पैसे नहीं देंगे। उनके पास अगर US टारगेट मार्केट है या कनाडा टारगेट मार्केट है, जो उनका टारगेटेड रीजन है, उसी टारगेटेड रीजन से जब लीड उनके पास आएगी तो इनको फिर हमें वो पैसे पे करेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार कैंपेन वो होती है ना एफिलिएट मार्केटिंग में, लीड्स की होती हैं वो। मतलब $10 आपको मिल गया, आपने US के 10 बंदों से फॉर्म फिल करवाया, $100 आपके बन गए। और उसके अंदर रिटर्न का भी चक्कर नहीं है कि प्रोडक्ट रिटर्न हो गई तो आपका कमीशन भी रिवर्स हो गया, वो तो जी डेटा आ गया, ख़त्म हो गया। अब फ्लैक्स ऑफर के अंदर आपको इस तरह की बिल्कुल फ्लैक्स ऑफर नहीं सॉरी वो है, बड़ा अच्छा नाम है उसका, थोड़ा सा नाम बताएं फ्लिट नेटवर्क के, दो तीन नाम बताएं नेटवर्क के, बड़ा अच्छा नाम है वहाँ पर। नहीं, मैक्स बाउंडी के ऊपर, या मैक्स बाउंडी के जो एफिलिएट नेटवर्क है वहाँ पर ज़्यादातर आपको लीड्स की जो है वो मिल जाएंगी, उस समय की ऑफर्स जो कि लीड के ऊपर आपको पैसे दे रहे होते हैं। तो अगर मैं लीड्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लीड्स के ऊपर कैंपेन सेट करके अपने पैसे बना सकता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में। यानी कि यूज़र ने क्लिक किया इधर मेरी वेबसाइट पर, जैसे वो क्लिक करेगा फॉर्म फिल करने के लिए, वो चला जाएगा ऑफिशियल स्टोर पर, वहाँ पर जाके नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर जो भी उसे फिल करेगा, एंटर करेगा, कस्टमर का डेटा चलाएगी और हमारी एक लीड काउंट हो जाएगी। इसके लिए तो स्पेसिफिकली अलग से कोई डोमेन होगा ना, वेबसाइट मतलब पेमेंट होगा, वेबसाइट का कोई पैटर्न अलग होगा इसके लिए, वो तो फिर आपने देखना है ना, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, फिर आप रिसर्च करेंगे, आपको कॉम्पिटर्स मिल जाएंगे, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि जो लीड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें डेटा हम जमा करते हैं मार्केट से अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग के रेलिवेंट डेटा है, मैंने लीड के ऊपर रख के कैंपेन रन कर दी। अब जैसे कोई यूजर मेरे ऐड पे क्लिक करता है, उसके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, वो कहता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में एडमिशन लेने की, अपना नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर सबमिट करवा दें। अब 100 लोग आएंगे, 100 में से हो सकता है 20 ने ऐसी क्लिक कर दिया, वो देखेंगे यार डेटा देना है, वो चले आएंगे। और देन 60% लोग ऐसे निकलेंगे कि जो वाकई में इंटरेस्टेड होंगे, मोस्ट इंटरेस्टेड होंगे, वो अपना डेटा दे देंगे। वो 20% लोग हो सकता है वो सोचें यार अपना ईमेल एड्रेस, हम फोन नंबर क्यों दें ऐसे किसी वेबसाइट पर, वो नहीं देंगे। वो 60% 50% लोग अपना डेटा दे देंगे, और जो डेटा दे देंगे वो मोस्ट रेलिवेंट डेटा हमारे पास आएगा, कि आप ऐसी तो किसी को अपना फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें नहीं दे देंगे, ऐसा ही है ना, जहाँ पर वाकई में आपका कोई मकसद होगा उसके साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ से लीड का फॉर्म फिल करने से मेरे पास कस्टमर का रेलिवेंट डेटा आ गया, उसको मैंने फ़ोन किया, जी हमारी जो है ना क्लासेस जब से स्टार्ट हो रही हैं, आप आ जाएँ और एडमिशन आपने प्रोसेस कर लें। ठीक है, इस तरीके से हम तो इस सूरत में जो कॉस्ट डिडक्शन होगी मार्केटिंग कॉस्ट, वो जब लीड कस्टमर फिलअप कर, नहीं 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 मार्केटिंग कॉस्ट इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मार्केटिंग यूज़र ने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, आपके पैसे चार्ज हो गए। गूगल में जो हमारे ऐड्स आ रहे होते हैं, वेबसाइट के राइट साइड में डिस्प्ले एड्स वगैरह आ रहे होते हैं, वहाँ पर यूज़र ने क्लिक कर दिया, दैट्स इट, फिनिश। PPC यही चलाता है। हाँ, पे पर क्लिक,
पेपर क्लिक चलाता है, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक, इसके ऊपर हम गूगल से ट्रैफिक भेजते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये गूगल के एड्स अगर मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, गूगल में क्या मैं सर्च करूँ, ये जो एड्स आ रहे हैं, जैसे कोई यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल तरह की कैंपेन्स हैं। एक है ट्रैफिक कैंपेन, बस यूजर क्लिक करेगा और वेबसाइट के ऊपर वो लैंड कर जाएगा, ट्रैफिक आ गया। सर्विसेज बेस्ड जो वेबसाइट्स होती है ना, सर्विसेज वाली हमारी, के जैसे कि अपना मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा एक तरीके से। या मैं किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर ट्रैफिक की कैटेगरी पे मैं जाऊँगा। और अगर मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। मैं ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट रन कर रहा हूँ, मैं सेल्स की कैटेगरी पर चले जाऊँगा। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन, यानी कि अब यहाँ पर जो है ना, हमारी यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट और ब्रांड को मार्केट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी वापस ऊपर आए थे, ज़्यादातर ब्रांडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास है यहाँ पर ऑप्शन ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। मैक्सिमम लोग हमारे ब्रांड से अवेयर होंगे, जगह जगह लोगों को हमारा नाम नज़र आएगा और लोग वहाँ तक ऐड तक पहुँचाने का जो अक्सर मकसद होगा ना गूगल का, कि मैक्सिमम लोग हमारे ब्रांड से अवेयर हो जाए। यहाँ पर इन तीन ऑप्शंस में क्या हो रहा है, ये हमारी वेबसाइट तक, हमारे फॉर्म तक लोगों को पहुँचा रहा है। यहाँ पर अगर उसने लोगों को दिखा भी दिया ना, मैक्सिमम लोगों को दिखाएगा, तो हमारी ब्रांडिंग हो रही है। जैसे कि आजकल आपने साइन बोर्ड लाजमी देखे होंगे, घराना के नाम से साइन बोर्ड लगे हुए जगह जगह, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, जगह जगह वो लोगों को दिखा रहे हैं। इन दोनों ऑप्शंस के अंदर भी यही चीज़ है। इसके बाद अभी हम आगे चलेंगे, सारे ऑप्शन मैं आपको बता दूँ पहले। एप्लीकेशन प्रमोशन, कोई नई एप्लीकेशन आप लॉन्च करते हैं, आजकल बाजार की एप्लीकेशन चल रही है, दवाई की एप्लीकेशन है, चीज़ की एप्लीकेशन है, एयरलिफ्ट की एप्लीकेशन है, और अब घराना आ गया तो घराने की भी एप्लीकेशन होगी। आप चाहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन को मैक्सिमम लोग डाउनलोड करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप एप्लीकेशन प्रमोशन के ऊपर क्लिक करके अपनी कैंपेन को आप रन करेंगे। अब आपकी जो भी कैंपेन है आपके पास, या तो एंड्रॉयड कैंपेन होगी, iOS कैंपेन होगी, एप्लीकेशन होगी, वो जो भी कैंपेन है उसको आप, उसका लिंक आप एंटर करेंगे और उसको आप प्रमोशन पे लगा देंगे। जैसे कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और वो उसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, यहाँ पर ये कि जैसे आपका अपना क्या बताऊँ मैं, चेसअप है, उसकी एक फिजिकल लोकेशन है, वो कोई सेल लगाता है और वो चाहता है कि लोग मैक्सिमम उसके स्टोर को विजिट करें, तो वो अपनी लोकेशन को प्रमोट करेगा कि ये मेरी लोकेशन है, मैक्सिमम लोग देखेंगे यार ये चीज़ यहाँ इस जगह पर मिल रही है, और वो इसको जो प्रमोट करेगा वो 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस में उस चीज़ को प्रमोट कर रहा होगा, ताकि अपना दर्ज में तो बहुत 10 किलोमीटर का सफर तय करके तो कोई बंदा आएगा नहीं प्रोडक्ट लेने के लिए, बोलेगा यार मेरी कन्वेंसी इतनी लगी मुझे क्या खास बचत हुई इसके अंदर। तो 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस के लोग हैं, वो बोलेंगे कि यार रेडियस में बिल्कुल आप दे सकते हैं, इसमें एरिया भी टारगेट हो जाएगा बिल्कुल। और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, मतलब इसके अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस खुलते हैं, आपकी जो मर्जी है, आप जिसको एरिया को प्रमोट, जिस तरह की चीज़ को आप प्रमोट करना चाहें, ये सारे तकरीबन 4, 4, 8 और 1, 9, 9 के 9 ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अच्छा, मतलब ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे इसके अंदर एक के अंदर आ गए। अभी मैं वन बाय वन, अच्छा इसके अंदर क्या है, बाकी की जो ये 7 कैंपेन्स हैं, इन सब के अंदर कैंपेन्स के हिसाब से इसने ऑप्शन देगा ही आपको। जैसे कि मैं अगर यहाँ ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करता हूँ, 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, मैं इसी को आगे प्रोसेस करूँगा। ये बता दें कि यार अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करवानी है तो ये 2 कैंपेन्स आपके काम की हैं, अगर आपको प्रोडक्ट वो करनी है, मतलब प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन की तरफ जाना है आपको, तो ये आपके पास सिर्फ ये एक ऑप्शन है, आपके लिए ये ऑप्शन बेहतर है, ये गूगल रिकमेंड कर रहा है। आपको अगर ट्रैफिक जनरेट करना है तो ट्रैफिक के लिए इसने 4, 5, 6 इसने रास्ते दे दिए यार, इन 6 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स है, आप अपना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। लीड के ऊपर हमारे पास इसने कितनी ऑप्शन दे रहा है, वही 6 ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर मजीद कुछ फॉर्म्स वगैरह के हमारे दे रहा है। बहर हम अभी चलते हैं सेल्स के ऊपर, मैंने क्लिक किया, मेरा फोकस है सेल के ऊपर के मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल बूस्ट हो, मेरा अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल। जी जी, मैं पहला सवाल ये कि जैसे साल के तौर पर मुझे 2 काम देगा, तो मुझे एक ही कैंपेन में दोनों काम नहीं, अलग अलग कैंपेन क्रिएट करेंगे आप अलग अलग। दूसरा सवाल ये कि जैसे हम एफिलिएट के लिए जब करने जाएंगे या कूपन साइट के लिए करने जाएंगे, तो हमें कौन सी कैंपेन रेलेवेंट है,
अच्छा, उसके लिए आप सेल्स भी रन कर सकते हैं, आप ट्रैफिक भी रन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, आपने ट्रैफिक भेजना है, ट्रैफिक आया, क्लिक किया और वो आगे चला गया। वो ठीक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेबसाइट ट्रैफिक? यहाँ पर ड्राइव सेल्स, यहाँ पर हम ज्यादातर ट्रैफिक करते हैं सेल्स का, यानी कि डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जो सेल हो रही होती है, जैसे मेरी अपनी जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है। हाँ, तो अब आप सेल्स के ऊपर रन करेंगे। अदरवाइज मुझे वेबसाइट ट्रैफिक पे जाना चाहिए? दोनों में इतना कोई ज्यादा ऑप्शन के अंदर डिफरेंस नहीं है, आप रन कर सकते हैं इसको, दोनों पे काम हो जाएगा, दोनों पे काम आप हो जाएगा। किसको एफिलिएट के लिए? एफिलिएट के लिए मैंने ट्रैफिक भी चलाई है और सेल्स भी चलाई है, दोनों मैंने चलाई है। रिजल्ट ज्यादा बेहतर किसको? रिजल्ट ज्यादा बेहतर सेल्स के ऊपर चला दें आप, सेल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा सेल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो जब मैंने सेल्स पर क्लिक किया, मजीद अब इसने हमें दिए सिक्स ऑप्शन, हमने दिए हमें दिए इसने। अब इन सिक्स ऑप्शन को हम समझ लेते हैं कि ये किस मकसद के लिए सिक्स ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन सर्च कैंपेन, ये जो मैंने यहाँ पे गूगल की गूगल एड्स यहाँ पे मैंने खोले, ये एड्स आ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे मैं रखता हूँ तो इसका मतलब अब जो मेरे एड्स डिस्प्ले होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे इस जगह पे। क्लियर है? मैं आया सेल्स पे, मैंने क्लिक किया, मेरे पास सिक्स ऑप्शन आए। ये कह रहा है सेल्स को आपने किस एरिया को टारगेट करते हुए आपने सेल्स क्रिएट करनी, सेल्स जनरेट करनी है। मैं कहता हूँ जी मैंने सर्च कैंपेन चलानी है, मैं इसके थ्रू अब मेरे एड्स यहाँ पे शो होंगे। ये सर्च एड्स कहलाते हैं, कैटेगरीज को भी समझे आपके कौन से ऐड क्या कहलाते हैं। ये जो ऐड कहलाते हैं सर्च ऐड कहलाते हैं। मैं अगर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करूंगा तो मेरे ऐड इस जगह पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, गूगल सर्च में, गूगल सर्च में, गूगल सर्च में डिस्प्ले होंगे। ये सर्च का हुआ ना, गूगल सर्च से जाएंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, यूएसए लिखते हैं, यूके लिखते हैं आप, तो ये आ गया, ये यूके के एड्स आ गए। आप करते हैं कनाडा करते हैं, ये कनाडा के एड्स आ गए। ठीक है, अच्छा सर्च पे क्लिक किया मैंने, जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया तो चलिए पहले हम सबको देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस मैक्स, ये हमारी जो कैंपेन चलाएगा मल्टीपल जगहों पे, ये हमारी कैंपेन्स को रन करेगा। ठीक है, रीच ऑडियंस अक्रॉस द अक्रॉस ऑल गूगल विद सिंगल कैंपेन्स, ये हाउ इट वर्क। गूगल की ये आएगा, सर्च में भी शो करेगा, डिस्प्ले में भी देगा और दो तीन जगहों पे और ये डिस्प्ले करेगा, मल्टीपल जगहों पे ये टारगेट करेगा ये। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्ले मार्केटिंग। डिस्प्ले मार्केटिंग क्या होती है हम देख लेते हैं। डिस्प्ले मार्केटिंग, यूट्यूब मैंने खोला, यूट्यूब खोल लेता हूँ, ओएलएक्स मैंने खोल लिया और दरास यहाँ पे आपको एड नजर आते होंगे ओएलएक्स पे, डिफरेंट कंपनीज का भी लोड भी हो जाएगा एड दिखा दूंगी। यहाँ पर तो अपना ही एड दिया हुआ है, गूगल एड्स आते हैं। यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास एक अदद वो आता है, ये आ गया एड इंक्रीज सेल्स का, ग्रामरली का ये आपके पास एक बॉक्स वो आ रहा है। ठीक है, ये डिस्प्ले मार्केटिंग की कैटेगरी कहलाती है। डिस्प्ले यानी कि ये आप देखें यहाँ पर, ये जो ऐड है ना, देखें यहाँ पर ये जो येलो मार्किंग है ना, इसका मतलब है कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके ऐड किस जगह पर डिस्प्ले होंगे, किसी भी साइड पर।
ये कैटेगरी वाइज बता रहा है कि आपके एड्स किस जगह पे डिस्प्ले होंगे। देखें यूट्यूब पे दिखा है तो हाँ, उसमें हर साइट पे जो साइट गूगल एड्स अलाउ करेंगी कर रही होंगी उन पे आपको डिस्प्ले मार्केटिंग के एड्स नजर आएंगे। बहुत ज्यादा उनमें से कुछ साइट पे नहीं देना चाहते हैं तो अच्छी दिखता है। हाँ, आप अपनी मर्जी से आप वेबसाइट्स को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर पहले गूगल एड्स आते थे, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे इत्तेफाक से। ये आ गया गूगल एड्स, ये डिस्प्ले मार्केटिंग है। दो एग्जांपल दिखा दिए, देखिए छोटा सा यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, बाय गूगल एड्स ये लिखा हुआ, ये डिस्प्ले मार्केटिंग हो गई। ये हमारे पास, ये देखें इधर भी बाय गूगल एड्स लिखा हुआ आ रहा है, गूगल एड्स एडी एड लिखा हुआ आ रहा है, बाकी कट रहा है ये। ठीक है, तो डिस्प्ले मार्केटिंग ये है, ये भी डिस्प्ले मार्केटिंग है। और जितनी वेबसाइट में इस तरीके से आपको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बैनर्स वगैरह नजर आ रहे हैं वो सब डिस्प्ले मार्केटिंग की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हम यहाँ से, जिसको हम यहाँ से रन कर सकते हैं। कितने बैनर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले मार्केटिंग भी जो है ना, ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग की ही कैटेगरी है, यहाँ से भी हमारे पैसे बनते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया था गूगल एड्स का अकाउंट, अपना अकाउंट दिखाया था गूगल एड्स का। हाँ, तो गूगल एड्स से भी, मतलब मैंने इस तरह, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर डेली का 1000 ट्रैफिक आ रहा है, 1000 विजिटर्स हैं आपकी वेबसाइट पर डेली के, और अगर यूएस के हैं, तो मैं समझता हूँ 100-150 डॉलर आप डेली के बना सकते हैं आराम से। 100 डॉलर रख लें मिनिमम भी, आप डेली के इतने पैसे आप बना सकते हैं अगर 1000 विजिटर्स यूएस के आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन वो ऐसी कोई, वो कोई हलवा काम नहीं है यूएस के 1000 विजिटर्स डेली के जनरेट करना। उसके लिए आपके, मैं समझता हूँ, 4 से 5 लाख रुपये आपके लग जाने हैं कॉन्टेंट मार्केटिंग पे, अच्छी होस्टिंग पे, और इस सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए फिर 6 महीने 7 महीने जिसमें जाकर आपका ट्रैफिक जो है ना वो मेंटेन होना शुरू होगा। देन फिर आपके पैसे, वो समझ ले वो ऑटोमेटिकली अर्निंग है, उसके अंदर कोई आपने कोई एफर्ट्स नहीं करनी, आपने बस अपनी सर्चेस स्ट्रांग रखनी है आपने, देन आपके गूगल एड से आपके पैसे बन सकते हैं। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये ओएलएक्स है, ये ओएलएक्स वाला क्या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है? नहीं कर रहा। ओलेक्स वाला अपने क्या कहते हैं, कोई होम डिलीवरी कर रहा है, किसी तरह की कोई सर्विसेज दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा, जस्ट एक क्लासिफाइड वेबसाइट है। इस वेबसाइट को पब्लिक अपडेट करती है, ये खुद भी अपडेट नहीं कर रहा। अगर मेरी कोई जाती वेबसाइट है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से वो रिलेटेड है, एफिलेट से रिलेटेड है, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल चैनल्स के थ्रू मैं ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, अगर कोई फूड से रिलेटेड वेबसाइट है, फूड के ब्लॉग्स वगैरह उसके ऊपर अपडेट होते हैं, तो डिफरेंट तरह की रेसिपीज उसको अपडेट कर रहा है। कौन कर रहा है? वो मैं खुद कर रहा हूँ अपडेट, ताकि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़े, लोग आएंगे, रेसिपी सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, और जी उसको सेव कर लेंगे उसको, या लोगों तक आगे शेयर कर देंगे। एक बंदे ने पढ़ा, दूसरे बंदे ने पढ़ा, अब क्या, वो रेसिपीज अपडेट हो रही है, डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है। फिर मैं नई से नई रेसिपीज निकाल रहा हूँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ, फिर कोई फूड से रिलेटेड कोई न्यूज़ अपडेट कर रहा हूँ उसके अंदर, फिर फूड के कुछ साइड इफेक्ट होगा वो भी अपडेट कर रहा हूँ। मतलब टोटली फूड की इन्फॉर्मेशन है। कौन अपडेट कर रहा है? मैं अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने में मेरा टाइम भी लग रहा है, मेरी कॉस्ट भी आ रही है। मैंने कोई कंटेंट राइटर हायर किया हुआ, जिसको मैं टॉपिक देता हूँ, वो उसके ऊपर लिखता है, और फिर मैं उसको अपडेट करता हूँ, फिर वो सर्च इंजन की सर्चेज में आता है, लोग सर्च करते हैं, सर्च करके फिर वो वेबसाइट तक आते हैं। अब जब वो वेबसाइट तक आते हैं तो उनको उनके मतलब की चीज़ें मिल जाती है, साइड में एड्स वगैरह भी नज़र आ रहे होते हैं। जितना ज़्यादा यूज़र मेरे एड के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरे पैसे बनेंगे। ये वही वाली उससे सिमिलर है कि लाइक यूज़र ने आपका वो फिल किया, इंक्वायरी फॉर्म जो था, कॉन्टेक्ट फॉर्म था, वो फिल किया, और जी आपके पैसे बन गए, $10 आपके बन गए, $5 आपके बन गए, जितने भी कंपनी आपको पे कर रही होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी गूगल एड्स आपको पे कर रहा है, वन क्लिक के ऊपर समटाइम जो है ना वो आपके 10 सेंट बनते हैं, 20 सेंट बनते हैं, 50 सेंट बन जाते हैं। कोई आपका अच्छी जगह से, जैसे यूएस वगैरह से क्लिक आए तो $1 भी बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया का रेट बड़ा अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के जो, ऑस्ट्रेलिया से अगर क्लिक पड़े तो वहाँ से भी आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है पर क्लिक के ऊपर। गूगल एडसेंस ही कहलाता गूगल एडसेंस, राइट, बिल्कुल, ये गूगल एड्स कहलाते हैं, गूगल एडसेंस यही कहलाता है। अच्छा, ये गूगल आपको किस तरह पे करता है, थोड़ा सा ये भी मैं बता देता हूँ। लाइक आपने अपने प्रॉपर्टी को एड्स रन करने हैं, उन्हें किस चीज़ के ऊपर, ये चाहते हैं कि वे अपनी मार्केटिंग करें, लोग इनसे रابطہ करें स्ट्रेट के हवाले से, इन आपने गूगल पे ऐड दिया, गूगल के पास आपने ऐड दिया, आपने ऐड दिया, आपने ऐड दिया, मजीद हज़ारों लोगों ने ऐड दे दिए गूगल को। अब गूगल के पास अपनी हज़ारों वेबसाइट थोड़ी होंगी, लेकिन ना हज़ारों लोग ऐड दे रहे हैं, लोग तो लाखों की तादाद में लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। गूगल इतनी वेबसाइट कहाँ से लेकर आएगा? गूगल ने पकड़े बंदे कि यार किन किन, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है, और उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, यानी कि उन्होंने हमें अप्लाई किया हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऐड है तो हम उनको दे सकते हैं।
अब गूगल ने उनको एड असाइन करने शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, 50 ऐड आ रहे थे, अपनी मर्जी के ऐड उठाए, अपनी मर्जी की कंपनी उठाई और अपनी वेबसाइट पर ऐड कर दी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास भी ऑप्शन होता है कि मैं जिस कंपनी का ऐड उठाना चाहूँ उस कंपनी का ऐड उठाकर मैं अपनी वेबसाइट पर लगा सकता हूँ। अपनी मर्जी से मैं ऐड को ब्लॉक भी कर सकता हूँ। जैसे टोयोटा का है ना, हाँ, टोयोटा का ऐड अगर मैं अपनी वेबसाइट पर लगाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि टोयोटा का मैंने ऐड लगा दिया, मुझे टोयोटा के ऐड पसंद नहीं आ रहे, अच्छे ऐड नहीं है, तो मैं चाहूँ तो मैं ऐड हटा दूँ, मैं दूसरी कंपनी के ऐड ले अपनी वेबसाइट के ऊपर मैं अपडेट कर सकता हूँ मैं। अब क्या हो गया कि कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी है वो गूगल को पे कर रही है और गूगल आप लोगों को पे कर रहा है। कुछ पैसे गूगल अपने पास रखना, कुछ पैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि आगे गूगल ने भी तो फिर आगे हायरिंग करी ना, वेबसाइट्स की हायरिंग करी, अच्छी वेबसाइट्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए कि जी आप अपनी वेबसाइट पर पैसे पब्लिश करो। उसने पैसे पकड़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब वो इतना मटेरियल लाएगा कहाँ से, तो जिसके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म तैयार है गूगल ने उनको ये चीज़ें असाइन करना शुरू करी। एक मिनट जी, अब आप क्वेश्चन। ये इसमें जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो जो है क्या नाम है, कांस्टेंट होता है या ब्रांड वाइज डिफरेंट होता है? इसमें देखें जो कमीशन होता है ना गूगल एडसेंस में, वो पर क्लिक के हिसाब से होता है और टारगेटेड कंट्री के हिसाब से होता है, ब्रांड के हिसाब से नहीं होता। कि जी ब्रांड ने 30% दे रहा है, 40% दे रहा है, इसके अंदर कोई ऐसे सेल के ऊपर कमीशन नहीं है कि सेल होगी तो 30% दे दिया, 10% दे दिया। वो जब सेल कन्फर्म होती है वहाँ पर, वो दूसरे नेटवर्क हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की बड़ी बड़ी टाइप्स हैं। इसके अंदर ये होता है कि यूएस से क्लिक आया है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो जी 50 सेंट आपके बन गए। आपके पास क्लिक आया है, एक्सक्यूज मी, सलाम वालेकुम, चलेगा सब चलेगा। ब्लॉग बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं। आपने कोई ब्लॉग बनाया ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे, उसके ऊपर 40-50 विजिटर्स डेली के आने शुरू हो गए, आपने गूगल एड्स के लिए अप्लाई किया, गूगल एड्स ने आपके ब्लॉग का ट्रैफिक चेक किया, उसकी क्वालिटी चेक करी, अप्लाई इसके करना बाद पड़ेगा। उसके बाद गूगल एड्स ने आपको आपका एडसेंस का अकाउंट अप्रूव किया, आप वहां से अपनी मर्जी के एड्स उठाएं और लिस्ट कर दें, खुद उठाएंगे, खुद उठाएंगे। एक आध क्लास नोट कर लें, गूगल एड्स के ऊपर भी दे दूंगा एडिशनल, लिख लें आप लोग एंड में गूगल एडसेंस क्लास लिख लें, गूगल एड्स क्लास या गूगल एड्स ट्रेनिंग साथ ऐड कर लें, इधर ऊपर लिख लें ताकि ये याद रहे ना आपको। तो बीच में कोई एक क्लास हम इसके ऊपर रख लेंगे, किस तरीके से हमने एड्स उठाने हैं और गूगल एडसेंस के क्या क्या ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारे पास डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन समझ आ गई, मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर इमेज बेस्ड जो मार्केटिंग हो रही होगी। ये देखें इतना बड़ा ऐड एक और ही आ रहा है, ये ओलेक्स ने खैर अपना भी दिया हुआ है, अपना ही दिया हुआ है इसने, लेकिन डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर आपको इतने बड़े बड़े भी एड प्लेसमेंट मिलेगी। गूगल एडसेंस आपको डिफरेंट तरह की साइजेस देता है कि आपकी जो मर्जी चाहें आप साइज उठाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर आप लगा लें। ठीक है, चार्जेस वेरी करते हैं गूगल में, चार्जेस सबके ऊपर सेम ही मिलेंगे, आपकी मर्जी, आप इतना सा ऐड लगाएं, इतना बड़ा ऐड गूगल लगाएं, एक्शन में तो गूगल अगर पे कर बग देगा। पर क्लिक के हिसाब से आपको पे होगा उसके अंदर भी। ये किसी और गाड़ी का ऐड है, ये भी टोयोटा गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्ले। अच्छा, शॉपिंग कैंपेन्स अभी फिलहाल पाकिस्तान में नहीं चलते शॉपिंग शॉपिंग कैंपेन्स, इसके लिए शॉपिंग गूगल एड्स का अकाउंट अलग से बनता है। ये वहाँ पर जो हमारी ई कॉमर्स जो प्रोडक्ट होती है ना, जैसे मैं एसेसरीज कंप्यूटर एसेसरीज में सेल कर रहा हूँ, मैं कोई कंप्यूटर एसेसरी सेल कर रहा हूँ, मेरी कोई क्लोथिंग की जाए वो है, ड्रेसेस वगैरह है, क्लोथिंग कैटेगरी में काम कर रहा हूँ, 500,000 मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, देन फिर मैं शॉपिंग एड्स चलाता हूँ, और ये पाकिस्तान में ये नहीं चलते अभी। अच्छा जी, वीडियो वीडियो एड्स आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होंगे, यूट्यूब के बड़े पर जो हम वीडियो देख रहे होते हैं, देन वहाँ पर हमारे पास ऐड आता है 5 सेकंड का, इसके पहले 3 सेकंड का स्केपेबल ऐड होता था, अब जो है 5 सेकंड का स्केपेबल ऐड हो गया, क्योंकि 30 सेकंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन था, फ़ौरन से वो पूरा हो जाता था, लेकिन अब वो 5 सेकंड से ही मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है उसका ड्यूरेशन, 6 सेकंड तक है उसका टाइम ड्यूरेशन, लिखा हुआ 5 सेकंड आता है, लिखा हुआ 5 सेकंड आता है, 1 सेकंड वो पहले ही उसको गुजार देता है। ठीक है, तो 5 सेकंड वो वेट करवाता है, वो जी 5 सेकंड में स्केप होगा, 15 सेकंड वाले में, 15 सेकंड, 15 सेकंड का भी मेरे पास नहीं आया अभी 15 सेकंड का। वो तो अच्छा वीडियो हाँ, वीडियो लास्ट में उसमें जो पहला पीटी
पीटीवी बन रहा है। अच्छा, वो तो सारे चैनल ही दिखाते हैं, वो आपको फ्री में कोई कुछ क्यों दें, उसके रिटर्न में भी तो उनको कुछ मिले ना। वो आपको ड्रामे दिखा रहे हैं, न्यूज की अपडेट दे रहे हैं, भाई कोई भी चीज फ्री नहीं है, वो आपको न्यूज की अपडेट क्यों दे, उनको क्या बेनिफिट है आपको अपडेट करने से, मुझे ये बता। कस्टमर कैसे हुए आप उसके? नेट खरीद रहे हैं तो आप तो गूगल भी तो यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी की चीजें यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप ऑफिस काम भी कर रहे हो। अगर मैं आपको न्यूज की अपडेट दे रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा है? मैंने अभी आपको रेसिपीज की अपडेट दी कि लाइक मैं अगर फूड रेसिपीज की कोई वेबसाइट में बनाता हूँ तो एट द एंड मुझे क्या फायदा हो रहा है, मैं क्यों आपको रेसिपीज बना बना के बांटूंगा? मेरी साइड लोग देख रहे हैं, मैं गूगल एड्स से मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं आपको कुछ कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन मेरी सोर्स ऑफ इनकम है गूगल एड्स, ये असल मकसद है। तो वहाँ पर वो आपको न्यूज अपडेट फ्री में दे रहा है, लेकिन उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है अपना जो एडवर्टीजमेंट होती है टीवी पे, जो एड्स होते हैं वहाँ से चैनल्स कमाते हैं और फिर वो सबकी सैलरीज वगैरह देते हैं, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम वो है। इवन के इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स के ऊपर ही काम करती हैं, 1-1 लाख डेली का ट्रैफिक है उनकी वेबसाइट्स के ऊपर, डेली का 1 लाख ट्रैफिक है, और वो लाइक स्टॉक्स के ऊपर काम करती हैं, बिजनेस ETC है और एक और है बिजनेस ETCT और US की बहुत बड़ी वेबसाइट है न्यूज वेबसाइट्स USA, मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनका काम यही है। यूएस टुडे का बड़ा अच्छा नाम था ETC, ये स्टॉक मार्केट वगैरह की सारी इसके ऊपर अपडेट होती है, हजार हजार वर्ड के कंटेंट या पब्लिश करते हैं, उसके ट्वीट्स करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, फॉरन से उसको वायरल करवाने की कोशिश करते हैं, देन वहां से ट्रैफिक जनरेट होता है, वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स लगे हैं। फॉरब्स हो गया, ये भी एक ब्लॉग है, कितना ट्रैफिक चाहिए? जितना ट्रैफिक हो उतना कम है, गूगल एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए आपकी वेबसाइट पे अगर महीने के 50 लीटर भी आ रहे हैं महीने के, वो आपको दे देगा गूगल एड्स, महीने के 50 लीटर भी अगर आप आ रहे हैं, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, लोग इससे कम ट्रैफिक वाली वेबसाइट के ऊपर अप्रूव करवा लेते हैं, गूगल एडसेंस देखता है कितनी पुरानी वेबसाइट है, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छा क्वालिटी कंटेंट अपडेट हुआ हुआ है, अगर अच्छा कंटेंट अपडेट हुआ हुआ है, वेबसाइट की जो एज है आपकी वो ज्यादा है, देन वो आपको एड्स अप्रूव कर देंगे, भले उसके ऊपर महीने के 20-30 उसके ऊपर विजिटर्स आ रहे हो फिर भी मिल जाएगा आपको। ये जो जो एफिलिएटर्स होते हैं जो PPC कैंपेन चला रहे होते हैं, ये भी गूगल एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। गूगल का क्या फायदा, हम कुछ पैसे पे करके उससे ट्रैफिक ला रहे हैं? वो देखिए आपकी जो आप डिपेंड करता है ना सोर्स ऑफ इनकम, आप किस चीज को बता रहे हैं, आपने पूछा कि भाई गूगल एड्स से आप ट्रैफिक लेकर आए और गूगल एड्स से आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, एक क्लिक की कॉस्ट पड़ी आपको 150 रुपए, गूगल एड्स पे अगर कोई क्लिक करता है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 50 सेंट या $1, आपने गूगल को कितने दे दिए, उससे डबल तो आपने गूगल को दे दिए, तो उसके आधे से भी आधे गूगल ने आपको रिटर्न दे दिए, तो इस तरह गूगल आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना अपने ऐड, तो वो असल प्रॉफिट तो गूगल लग रहा है, उसमें थोड़े 30% प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल लोगों में बांट रहा है, बाकी 70% वो अपने अपने नाम का वो कैश कर रहा है वो अपने नाम से, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जो कूपन्स वाली कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं ना उसमें लोग नहीं लगाते, क्योंकि उसके ऊपर फोकस होता है सेल के ऊपर, आपको सेल मिलेगी $2-5 का आपको कमीशन बनेगा, उधर एडसेंस पे अगर आपने ट्रैफिक भेजा वेबसाइट पे उसको एड्स मिले वो एड्स पे उसने क्लिक कर दिया, आपका यूजर तो किसी और वेबसाइट पे चला गया, तो वो आपका नुकसान है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाते हैं वापस, YouTube एड्स होगा, डिस्कवरी, डिस्कवरी में ये आपके जो एड्स चलाता है YouTube पे एड्स चलेंगे और Gmail और एंड मोर अदर जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं। Gmail के एड्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ Gmail के एड्स कैसे होते हैं। Gmail के ऊपर ये एड आ रहे हैं, AD एड लिखा हुआ है, ये एड्स हैं, ये एड्स हैं, ये दोनों एड्स हैं, ये यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ना, ये लास्ट में ये सब कैंपेन चला के चला, कैंपेन चल रही है, इसके थ्रू चल रही है। अच्छा फिलहाल हम लोग भाई सेल्स के अंदर हम लोग कोई कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं, कोई दूसरा मैं ऐड अकाउंट खोल लेता हूँ, क्या ये नीचे
सर्च में आ गया, शॉपिंग वाला भी आपने बता दिया, डिस्प्ले वाला भी। ये जो डिस्कवरी में आपने बताया कि ये ऐड जो ना उसमें जीमेल में आता है उसके अंदर ग्लास वाला में बाय ईमेल YouTube ads, तो ये हमने जो कैंपेन डीपीटी की चलाई थी उसी का आता है ना, तो गूगल एडसेंस का कंफ्यूज किया था इसके बारे में। गूगल एडसेंस इसका कोई ताल्लुक नहीं है, गूगल एडसेंस को बीच में एडिशनल ऐड बता दिया, ये बस एडवर्टाइजमेंट है ये। अच्छा, हमने कभी भी किसी कैंपेन को रिमूव इसलिए नहीं करना कि गूगल के अंदर से, गूगल के अंदर सारी कैशे जो है ना वो सेव रहती है, वो कुछ रिमूव नहीं होती वो, तो इसलिए रिमूव हमने कर भी दिया तो कोई ऐसी वो नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, वो उसमें पड़ी रहेगी वो कैशे में इसके, तो इसलिए कभी हमने कुछ इसको रिमूव नहीं करना, हमने इसको पड़ा रहने देना हमने इसको, ठीक है। ये इसके इसके ऊपर भी जो है ना हमने वो भी नहीं चलाना, हमने चलाना है रिसर्च जैकेट पे, हम नहीं चलाना। गूगल एड चलाना भी जो है ना बहुत बड़ा आर्ट है ये। अच्छा, और जिसको ये चलाना आ गया वो समझ लो मैं बोलता हूँ बादशाह है आज के दौर में, सही दोस्त। और जिसने अंधी में चलाया वो बादशाह से वो फकीर हो जाता है वो। हाँ सीरियस, वो बादशाह से फकीर हो जाता है, हम बहुत दफा फकीर हुआ। स्टार्टिंग में जो हम चलाते थे अब इसके अंदर भाई क्या सीन है, इसके अंदर भी मेरे ख्याल से कोई 5 रुपए जो मुझे बता रहा है माइनस में हमारे चल रहे हैं, इसको भी हम देख लें एक नज़र। बिलिंग समरी अकाउंट पॉजिटिव हमारा, ये जो चीज़ें होती है ना ये आप लोगों के एसेट्स होते हैं, इसको किसी भी सूरत आपने 5, 10, 20 रुपए 1000 रुपए खातिर आपने इसको ज़ाया नहीं करना, दोबारा बन जाते हैं। फिर आप जो दूसरे कार्ड अरेंज करें दूसरे लोगों के पीछे भागे हैं, कार्ड भी अरेंज करना पड़ता है, क्या बोला पेमेंट नहीं करना चाहेंगे, मिनिमम 600 रुपए की पेमेंट है। क्या मतलब अपने क्रेडिट कार्ड पे दोबारा इसको नहीं कर सकता दूसरा कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे आप दूसरा अकाउंट, लेकिन ये बोलता है कि अगर हमने ट्रेस कर लिया तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। अच्छा, अकाउंट के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपने अपना निक नेम रखना है, जो भी आपका निक नेम से मुराद देगा जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो आप यहाँ रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर जो कैंपेन, ये वाला जो अकाउंट है इधर से मैंने कैंपेन रन करी है, ऑनलाइन शॉप मेरी वेबसाइट है उसके नाम से मैंने, इसके अंदर सिर्फ वही वेबसाइट रन हो रही है ऑनलाइन शॉप की, तो यहाँ पर मैंने इस अकाउंट का नाम रख दिया ऑनलाइन शॉप, ताकि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ऑनलाइन शॉप यहाँ पर लिखा हुआ आता है। सेकेंड, जो आपने पेमेंट मेथड रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने मैनुअल पेमेंट मेथड रखना है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल, ये दो ऑप्शंस होते हैं, आपने मैनुअल भी हमेशा रखना है। अगर आपने ऑटोमेटिक पे रख दिया तो उधर आपका बिल बनेगा चार्ज होगा, बिल बनेगा चार्ज होगा, बिल बनेगा चार्ज होगा, आपने 10,000 की अगर लिमिट लगाई हुई तो वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ज होते 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 10,000 तक पहुँच जाएंगे, भले आपने जो कैंपेन चलानी है आपने 2,000 की कैंपेन चलानी है ऑटोमेटिकली। अभी देखें मैंने जो उसको कितने 2,800 रुपये पे करे वो मैंने खुद पे किए हैं, वो चाहते तो ऑटोमेटिकली भी चार्ज मार सकते थे लेकिन उससे नहीं मारा, मैनुअल में एक्स्ट्रा क्यों होता है, माइनस में क्यों लेती है जब आपने लिमिट लगाई थी, होगा कोई चक्कर अपना कैंपेन चल गई होगी, पुराना अकाउंट था तो मैं इसको यूज भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पे कर दिए कि वो मैंने अपना अकाउंट पे आ रहा है गूगल एड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा अकाउंट में ये चीज़ चल रही है इसको तुम देख लेना, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है तुम्हारा, तो इसलिए फ़ौरन ही मैंने उनको पे कर दिए। अभी तकरीबन जो मेरी, मैंने आपको बताया ना जो मेरी फेसबुक पे जो मेरी एडवर्टीजमेंट चल रही है, मेरे पास फेसबुक से अलग मिले डायरेक्ट कॉल्स आती है, मुझे मजीद गाइड करते हैं कि आप कैंपेन्स को इस तरीके से मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपकी जब स्पेंडिंग अच्छी हो जाती है तो आपको गूगल एड्स की तरफ से भी कॉल आती है, और गूगल एड्स वाले भी आपको पर्सनली खुद गाइड कर रहे होते हैं कि आप अपनी कैंपेन्स को मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर ये गूगल एडवर्ड अकाउंट आपका जो है ना वो यूजलेस हो जाता है, मतलब इवन दो कि इट्स वर्किंग
बट अगर आप उस पर कैंपेन चला भी रहे तो वो रिजल्ट आपको नहीं दे पा। बहुत सारे रीजंस होती हैं, देखें आपका अमाउंट स्पेंड हो रहा है, आपके रोजाना के 1000 रुपये लग रहे हैं गूगल एड्स में, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला 1000 रुपये वाला। इसका मतलब ये है कि आपने जो कीवर्ड्स की सिलेक्शन करी है वो सही कीवर्ड नहीं डाले आपने, बस ये वजह से। वो तो सही कर सकते हैं, मेजर वजह ये हो सकती है, बिल्कुल वो सही कर सकते हैं। आपने एड एड जो आपने क्रिएट किया है, जो भी गूगल की सर्चेज में एड देखे थे, 3-4 एड्स आ रहे थे, वो रेलिवेंट एड्स आपने क्रिएट नहीं किया। रीजन टू, रीजन थ्री ये कि आपने अपने क्या कहते हैं, एक तो रेलिवेंसी नहीं है, दूसरा आपने कुछ मजेदार इतना अच्छा कंटेंट अपडेट नहीं किया कि यूजर आपके ऐड पे क्लिक करे। 4 ऐड आ रहे हैं, 3 ऐड बड़े अच्छे बने हुए, उन 3 में से कोई एक ऐड बड़ा अच्छा बना हुआ, उसके अंदर डील्स ऑफर, डिस्काउंट ऑफर सारी जो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर फोन नंबर भी दिया हुआ है, लोग ज्यादातर उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं मोस्टली, आपके ऐड को पूछ ही नहीं रहा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, वो फिर गूगल नीचे फेंकना शुरू कर देगा, बोलेगा इसका CTR ही नहीं आ रहा, क्लिक थ्रू रेट नहीं है इसका, तो आपका ऐड नीचे जाएगा, बजटिंग आपकी बढ़ जाएगी, ऐड रेलिवेंसी नहीं है आपकी, आपके जो है अपना कीवर्ड्स आपने रेलिवेंट नहीं डाले हुए। ये 3-4-5 रीजंस होते हैं इसकी वजह से आपके नहीं होगा फिर ऐसा। जब आपने सारी चीजें पूरी कर दी है, आपने ऐड रेलिवेंट बनाया है, क्वालिटी ऐड बनाया है, आपने कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड्स डाले हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स डाले हैं, तो फिर आपको 200% आपको बिजनेस मिलेगा वहाँ से, भले से आपकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाए लेकिन आपको बिजनेस मिलेगा वहाँ से। मैं दो अकाउंट चेक कर रहा हूँ, दो गूगल एडवर्ड्स चला, हाँ ठीक है, सेम काम कर रहा हूँ दोनों पे, मेरा एक अकाउंट मुझे वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो दूसरा दे रहा, हालांकि दोनों पे सेम काम है, फिर में क्या राइट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें अपना सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम बल्कि अक्सर ऐसा होता है, आप एक ही इंडस्ट्री में दो वेबसाइट बना लें, एक ही इंडस्ट्री ओपन की आप दो वेबसाइट बना लें, एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, एक बिल्कुल फारिग होगी, कोई बिजनेस नहीं दे रही होगी, ठीक है, आप एक ही बिजनेस की आप 10 वेबसाइट बना लें, 10 में से 2 या 3 चल रही होंगी, बाकी आपको कोई बिजनेस नहीं दे रही होगी, ये होता रहता है, इस तरीके से होता है। तो अगर आपने सेम ऐड दोनों जगह क्रिएट करें तो कोई एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, एक कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, ठीक है। मार्केट एक ही है, टारगेट मार्केट एक ही है, टारगेट मार्केट तो एक ही है ना, US, उसके अंदर आपका कोई एक ऐड अकाउंट पुराना होगा, कोई नया होगा, किसको एक वेबसाइट पुरानी होगी, एक वेबसाइट नई होगी, फ्रेश होगी, डोमेन एज है, एड रेलिवेंसी है, और आपने बजटिंग उसके अंदर कितनी लगाई है, इस तरह के मामला भी होते हैं। ये जो आपने शुरू बताया कि अकाउंट पुराना नया वगैरह, मैं तो करीब भी से हूं, तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस तो मैटर नहीं करता ना, नया पुराना वेबसाइट है तो अकाउंट से फर्क पड़ता है, अगर आपका पुराना अकाउंट है ना तो आपको कॉस्टिंग वॉस्टिंग आपको अच्छी मिल जाती है इसके अंदर। अच्छा ये हो गया हमारे पास, ये कैंपेन चल रही थी, इसके अंदर मैं देख लेता हूँ बिलिंग समरी, इसके जो सारे इसके एडवर्ड के अंदर सारा जो गेम है वो इसके ऑप्शन समझना है, फंक्शन इसके समझना है, कहाँ पर कौन से ऑप्शन है, किस मकसद के लिए कौन से ऑप्शन यूज होते हैं। मैं एक रेलेवेंट इंसिडेंट अपना बताता हूं उनको, मेरा पुराना जो अकाउंट था ना उससे मुझे वो रिजल्ट मिल नहीं रहा, आपने नया अकाउंट क्रिएट किया उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, टाइम लगा तो उससे अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, होता है समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। देखिए अकाउंट कैंपेन जो चल रही थी ना वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चला है, मतलब वो देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन माय कैंपेन्स। गूगल है तो मैं आपको बोलूंगा गूगल है क्या बोल सकते हैं, गूगल समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि समझ से बाहर होती हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जो उसका सलूशन यही है, फिर आप दूसरा अकाउंट बना के आप अगर कभी ऐसा आपको रिजल्ट वगैरह वहाँ से नहीं मिल रहे, आपने सब कुछ करके देख लिया आपको रिजल्ट वहाँ से नहीं मिल रहे, फिर अब आप जाए नए अकाउंट की तरफ, किसी ना किसी रीजन की वजह से, वजूहत की वजह से वो आपके अकाउंट को लिमिटेड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांड वायलेशन कर रहे थे आप, राइट, उसने डिटेक्ट कर लिया यार इस अकाउंट से ब्रांड वायलेशन हो रही है, इसको ज़्यादा बूस्टिंग देनी नहीं है, उन्होंने अगर गूगल को भी कंप्लेन डाली, मेल कर दी उन्होंने कि यार ये है ये बंदा है और इस तरीके से यहाँ से इस आईडी से वो आ रहे हैं, तो वो डिटेक्ट करेगा किसकी कैंपेन है, कौन सी वेबसाइट है, वो उसके ऊपर लिमिटेड कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बड़ी पॉसिबिलिटीज ऐसी भी आएंगी कि आप खुद सुन जाएंगे कि यार ये हो क्या गया, सब कुछ सही है, लेकिन बाहर आपको कुछ चीज नजर नहीं आ रही होगी, फिर भी अगर हम कुछ नहीं समझ पाए तो उस वक्त आपको पता कर सकेंगे। हाँ कोई मसला नहीं है, पूछ लिएगा। फेसबुक तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं करी, गूगल अभी तो हम गूगल अभी हम टोटली गूगल कैंपेन्स ही पढ़ रहे हैं,
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक नए बंदे के लिए एज कम्पेयर टू फेसबुक SEO, लेकिन ये क्या ऐसा ऐसा करके चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें अगर कुछ अभी फॉरन से समझ में नहीं आ रहा, परेशानी की बात नहीं, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दी है वीडियोस। जैसे कि यहाँ पर ये विंडोज नहीं आती ना हमारे पास, आ जाएगी आ जाएगी, आप फर्स्ट ही विंडो आ चलाने तो जाएगी। आएगी ना। हाँ ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट ये कि जब भी आपका फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 का बजट था, आपने बजट पूरा अपना कंज्यूम कर दिया, आपकी कैंपेन्स यहाँ पे सारी इनेबल शो हो रही है, ठीक है, बजट आपका खत्म हो गया, आपने बोले यार कौन सा पैसे है अकाउंट में जो ये चार्ज करेगा, इनेबल तो भले छोड़ दो, लेकिन हर चीज के रूल्स होते हैं ना, तो इसके जो रूल्स है आपने ये करना है, सारी कैंपेन को आपने पहले पॉज करना है, उसके बाद आप भले इसको छोड़ दो, लेकिन आपने पॉज लाजमी करना है, आपके अकाउंट में बजट है या नहीं है। वो माइनस पे इसी वजह से नहीं, करेगा। माइनस में तो नहीं जाएगा इस वजह से, वो जब बजट नहीं है तो वो रोक देगा, वो आगे कैंपेन्स को कंटिन्यू नहीं करेगा, वो तो वही नहीं समझ नहीं आ रहा कि वो माइनस पे क्यों चला जाता है। कोई रीजन होगी, वो पुराना अकाउंट है, मैंने अभी चेक नहीं किया उसके डिटेल्स, उसके पेमेंट मेथड वगैरह। मतलब मैंने जो बजट असाइन किया है उसके बाद वो नहीं करेगा, तो फिर मैं मैनुअल पे भी लगाऊं ऑटोमेटिकली तो ऑटोमेटिक में आपकी पेमेंट बजट। ऑटोमेटिकली काट लेगा वो, अच्छा मतलब हाँ वो बजट दोबारा से ओवर बजट कर देगा, री बजट कर देगा। पेमेंट सही सही ऑटोमेटिकली काटता रहेगा वो। समझ। आपने फॉर एग्जांपल डेली का, आपने इसकी एग्जांपल देता हूँ, अब आपने डेली का बजट रखा जी 500 500 पाकिस्तानी PKR में, बात करते हैं 500 रुपये आपका डेली का बजट है, वो कट रहे हैं कट रहे हैं कट रहे हैं, आपने उसके अंदर कैंपेन में एंडिंग डेट कोई नहीं डाली। कुछ कैंपेन के अंदर आपने कहा कि जी मैं 1 महीने के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, आपने एंडिंग डेट डाल दी, कुछ में आपने कहा जी चलने दो, जब ये एड मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा तो फिर मैं इसको खुद ही पॉज कर दूंगा, जब तक ये चल रहा है चलने दो, आपने एंडिंग डेट नहीं डाली, आपकी 10 कैंपेन चल रही है, आपके जहन से निकल गया आपके पास और भी काम है, अब उधर पेमेंट मेथड कौन सा लगा हुआ है ऑटोमेटिक, अब ये लाइफ टाइम चलती रही है आपकी ये कैंपेन, ये एंडिंग डेट नहीं है, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है, आपका अकाउंट तो वहाँ चल रहा है, किसी को आईडी पासवर्ड नहीं पता, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े, कैंपेन चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, 5 लाख 10 लाख आपका अकाउंट जीरो, सारी कैंपेन वहाँ उसके चल बाद जाएगी। क्रेडिट कार्ड सही चला, तो उसकी लिमिट एंड होगी तब भी रुकेगा नहीं। हाँ क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो जाएगी फिर रुक जाएगा, चले क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होती है, 3 लाख तो होती है मिनिमम, और कोई तगड़ी पार्टी है वो अच्छा फाइनेंस फाइनेंस है, 10 लाख की लिमिट है, फिर दिवालिया निकल गया उसका, वो नहीं है तो उसके पीछे जो उसके कोई ऑनलाइन है करके लिमिट ज्यादा होती है क्रेडिट कार्ड की? ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पर इसका हम यूज करते हैं तो क्रेडिट लिमिट ज्यादा होती है, क्रेडिट क्योंकि बहुत लिमिट सारे इस क्रेडिट सेंस में कार्ड होता आए थे। है, देखें आपका अकाउंट जितना तगड़ा है ना, जितनी आपने वो मेंटेन रखा हुआ है आपने अपने अकाउंट को, यानी कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हुए ही हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, तो आपको हो सकता है लिमिट मिले 10 लाख की, आपको लिमिट मिल जाए, आप 10 लाख की शॉपिंग आप कर सकते हैं, आपके अकाउंट में 1 साल से ऊपर हो गया, 1 करोड़ का पड़ा हुआ है, आपको 20 लाख की लिमिट मिल जाए, 20 लाख तक आप हाँ शॉपिंग कर सकते हैं, बैंक देखता है बंदा कितना स्टेबल है, कितने टाइम तक इसके पास पैसे रहे हैं मौजूद, तो हमने इस टाइम मनाया था, उस टाइम जो शर्त उनकी ये थी यार आपको तकरीबन 3 लाख की लिमिट दी थी उन्होंने, 3 लाख की लिमिट मिल जाएगी अगर आपके बैंक में 1 साल तक 1 लाख रुपए पड़े रहे, 1 साल तक 1 लाख रुपए पड़े रहे, ये बात है 2014 या 2015 की, तो नहीं होते थे इतने पैसे हमारे अकाउंट में, तो हमने अभी पहले अपने अकाउंट को मेंटेन किया 1 लाख रुपए के 1 साल तक, मतलब आप देखें काम किस तरह किया हमने, 1 साल तक हमने इंतजार किया काम स्टार्ट करने के लिए, फिर हमें बैंक से क्रेडिट कार्ड मिला, जब हमें बैंक से क्रेडिट कार्ड मिला उसके बाद फिर हमने काम स्टार्ट किया, ये आपका अच्छा क्रेडिट कूपन्स कार्ड, वाला। क्रेडिट कार्ड का जो जैसे ये जो हम कैंपेन जो चलाते हैं तो ये PKR में ही चलाना जरूरी है हमारे लिए, नहीं लाजमी नहीं है, आप इसको डॉलर में भी चला बेहतर क्या सकते है? हैं, बेहतर क्या है, देखिए आपके अकाउंट में तो ट्रांजेक्शन रेट तो कटेगा ही कटेगा, कि अगर आप डॉलर डबल में आप कर चाहें डबल तो नहीं, खैर जो भी उसकी ट्रांजेक्शन रेट लगता है 1-2 रुपए का, तो वो ट्रांजेक्शन मतलब करेंसी रेट रेट यानी कि PKR से जो डॉलर में कन्वर्ट होते हैं सही है, वो तो मतलब होंगे, हम जिस आप कंट्री का PKR में ही उसी रखें, आप रेट। PKR में ही रखें, अगर आप इन शॉर्ट ये 1 मिनट, अगर आप डॉलर में रखते हैं ना तो भी PKR से डॉलर में कन्वर्ट होंगे, अगर आप PKR में रख के आप डॉलर में कैंपेन चला रहे हैं तो भी कटने ही कटने हैं, दोनों सूरतों में कटने हैं, लेकिन एक सेफ साइड है, इन फ्यूचर के अगर आपको कोई PKR में कैंपेन चलानी है तो आप PKR to PKR आप चला सकते हैं, आप कुछ पूछ अच्छा रहे सर, थे। ये क्रेडिट कार्ड जरूरी है इसके लिए होना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड से ही आप इसको रन करेंगे, अकाउंट डिटेल्स के अलावा जो होते डेबिट कार्ड हैं भी लग जाता है इसमें, शायद विस कार्ड भी लग जाता है, गूगल ऐड अब लग जाता है कुछ सिलेक्टेड, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का लग जाएगा, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का लग जाएगा, UBL का लग जाएगा,
HBL का लग जाएगा, HBL का लग जाएगा, निजाम बैंक भी लग जाएगा। निजाम बैंक अब बड़े एक्टिव चल रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग के वाले से, जैस लग जाता है, लग जाता होगा। हाँ क्रेडिट कार्ड बैंक वाले तो अलाउ करते हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वही बैंक वाले आपको कार्ड असाइन करेंगे। बैंक की तरफ से होता है जी, बिल्कुल बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें हम आए थे, ये करेंसी का ऑप्शन आ गया हमारे पास, ये हमारी पेमेंट प्रोफाइल आईडी है ये। अच्छा, ये जो आईडी है, अगर मैं चाहूँ कि आप एक्सपर्ट हैं, मेरे अकाउंट में कुछ मसले आ गए, मैं चाह रहा हूँ कि जी अपना नुमान साहब मेरे अकाउंट चेक करें कि इसमें क्या मसला है, लेकिन मैं इनको अपनी लॉगिन नहीं दे सकता जी, उसी लॉगिन के ऊपर मेरा जीमेल अकाउंट भी क्रिएट है, मेरा पर्सनल जीमेल अकाउंट है या बिजनेस जीमेल अकाउंट है, मेरी ईमेल्स भी पड़ी हैं, तो बगैर जीमेल आईडी शेयर किए मैं इन, ये जो आईडी है ना प्रोफाइल आईडी, मैं इनके इनको ये अपना इनकी आईडी अपने अकाउंट में ऐड करवा दूंगा, ये अपने ही गूगल एड्स अकाउंट से मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं, अपने गूगल अकाउंट से। जैसे मेरा गूगल अकाउंट है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मेरे पास कितने अकाउंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अकाउंट्स आ रहे हैं मेरे पास। इसी तरीके से जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, आपको मेरा भी ऐड अकाउंट इसी तरीके से डिस्ट्रेस जैकेट बिजनेस स्टैंड जो भी मेरा नाम होगा उस नाम से आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। क्लाइंट सर्विसेज के अलावा भी अपने क्या कहते हैं, अगर जैसे आप मेरा अकाउंट, हाँ उसको ऐड करने का ऑप्शन होता है, बता दूंगा कहाँ से उसको ऐड करते हैं, तो आप इसको अपने उधर ऐड करवा के मेरे अकाउंट को आप चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। या मेरा कोई क्लाइंट है, मैंने क्लाइंट का जो अकाउंट था सेपरेटली क्रिएट करवाया, इसके बाद मैंने क्या किया उसको अपने अकाउंट में ले लिया। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से है, अगर ये मेरा अकाउंट चल रहा है, मैं इसी के अंदर एक और ऐड अकाउंट ऐड करवा कर देता हूँ, इसके अंदर यहाँ से न्यू अकाउंट में जाके एक और ऐड अकाउंट में ऐड कर देता हूँ क्लाइंट का। अब इसी आईडी के अंदर क्लाइंट का अकाउंट भी ऐड हो गया, गूगल अकाउंट नहीं, ये न्यू अकाउंट। पेमेंट मेथड इसके अंदर मेरा लगा हुआ है, वो क्लाइंट मुझे कैश भेजता है, 50,000 उसने भेजे, मैंने बैंक में डाले, फिर जी यहाँ से कैंपेन चली। अब मैं यहाँ पे टैक्सेशन में बस जाऊंगा, हर महीने 50,000 आए, 6 महीने तक आते रहे, 1 साल तक आते रहे, 1 साल के 6 लाख रुपए तो ये बन गए, जब जिससे ना लेना ना देना, इधर से पैसे आए उधर से पैसे निकल गए, सही है, मतलब मेरे तो किसी यूज में नहीं आया ना, वो तो एक थे सर्विसेज ने, लेकिन जो FPR पकड़े गया आपके अकाउंट में 6 लाख की तो ट्रांजेक्शन ही हुई है, मेरे ख्याल से साल में कितने 12 लाख से ऊपर वालों के ऊपर टैक्स है, ऐसे ही है ना, तो 6 लाख तो यही हो गए, बाकी जो मैंने जो मेरे पैसे अकाउंट से आए गए वो अलग है वो। अब इसके लिए इससे हम कैसे बचेंगे, अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट का सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया, देन उस अकाउंट को हमने अपने एड मैनेजर में अपने एड अकाउंट में ऐड कर दिया, तो जितने जो कार्ड लगा हुआ है क्लाइंट के अकाउंट में सेपरेट कार्ड लगा हुआ, वहीं से उसकी चार्जिंग और ये ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लाइंट खुद पे कर रहा है, हम बस अपना अकाउंट लॉगिन करके, हमने एक ही अकाउंट रखा हुआ ही है, जैसे सादिया परवीन के नाम से ना, मैं अकाउंट एक ही लॉगिन करता हूँ अपने नाम से या जिस भी अकाउंट से हमारी आईडी क्रिएट हुई है, ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पर मुझे मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट नजर आएंगे, मैं जिसको मैनेज करना चाहूँ उसको मैनेज कर सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ, नहीं नहीं वो कहीं और दूसरी जगह से ऐड करते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लाइंट का अकाउंट सेपरेट किया, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपने कहा कि जी आपने लेदर बैग्स की जो है ना और तो मार्केटिंग करवानी है, गूगल एड्स चलवाना है, दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको ठीक है जी आप 50,000 रुपये महीना दें और मैं उसको अपने अकाउंट में ऐड करूंगा, मैं अपने अकाउंट से 50,000 की मार्केटिंग में आपकी चलाता रहूँगा, अब वो पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, मेरे अकाउंट से कट रहे हैं पैसे, उसके ऊपर टैक्स भी मुझे भरना पड़ेगा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टैक्स ना भरना पड़े, पैसे मुझे बार बार लेन देन पैसों का ना हो, आपका एक सेपरेट ऐड अकाउंट क्रिएट किया, उसी के अंदर आपका बैंक अकाउंट लगा दिया, अब आपका अकाउंट सेपरेट तैयार है, उसको मैंने ऐड कर दिया अपने गूगल ऐड से लिंक कर दिया, ठीक है, अब जो मैं लॉगिन करूंगा ना वो मैं यही अकाउंट लॉगिन करूंगा अपना, इसी लॉग अकाउंट के अंदर मुझे आपका अकाउंट नजर आ रहा होगा, वो मैं लिंक कर दूंगा, लिंक कैसे करते हैं वो हम आगे देख लेंगे किस तरीके से लिंक करते हैं। आपकी जीमेल की आईडी थी, आपका अकाउंट क्रिएट किया, आपका ही बैंक का अकाउंट आपके अकाउंट के साथ लगाया, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही रहेंगे और आपके ही गूगल ऐड के अकाउंट में कटेंगे, लेकिन मैं उसको यहाँ से लिंक कर दूंगा अपने अकाउंट के साथ, तो अब मैं यहाँ से उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, सारे काम मैं उसके यहाँ से कर सकता हूँ,
लेकिन वो आपका अकाउंट सेपरेटली आपके नाम पे क्रिएट हुआ है, आपका कार्ड उसके साथ लिंक हुआ है, आपके बैंक से पैसे डायरेक्टली कटेंगे आपके अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में, वो आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। आपकी रसाई उनके सेफ अकाउंट तक की होगी, जैसे प्राइवेसी के जीमेल तक नहीं जाऊंगा मैं, जीमेल के एक्सेस, जैसे अगर अगर मैं आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाहूं तो भाई आप मुझसे आईडी पासवर्ड मुझे चाहिए होगा, उसमें आप जीमेल, आपका बिजनेस जीमेल है, आपका पर्सनल जीमेल है जो आप शेयर करना नहीं चाह रही, तो जो गूगल एड्स होगा, गूगल एड्स बिल्कुल सेपरेट होता है, वहाँ से मजीद उसके अंदर सेपरेशन नहीं हो जाएगी। आपने मुझे ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया, बस मैंने यहाँ पर ये आईडीज लिखी आ रही है राइट साइड पर, ये आईडीज आपने मुझे दी, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, आपने उसको अप्रूव किया, अब मेरे ऐड अकाउंट में यहाँ पर आपका भी अकाउंट नजर आने शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ से विदाउट पैसे मेरे अकाउंट, पैसे नहीं के अकाउंट से कटेंगे। बिल्कुल, एट दी एंड पैसे कहाँ उतर रहे हैं, आपके अकाउंट में उतर रहे हैं ना, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो उससे टैक्स बनेगा। बिल्कुल, वो आपको पे करना है आपको। और दूसरा ऑप्शन ये कि आपके जो अपना इंटरनेशनल अकाउंट है उसी के अंदर आप पैसे रखें, जितनी ज़रूरत है उतने आप उतारें। हाँ, इधर ही पड़े जितने ज़रूरत होती है सारे लिए। दूसरा ऑप्शन वो बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड भी होते हैं, एटीएम भी रखें उस बैंक का, 4,000 रुपये सालाना होता है उनकी शायद, जितनी ज़रूरत है आपने किसी भी एटीएम में मारा और वो करेंसी का रेट उस टाइम जो रेट होगा वो कन्वर्ट करके आप पीकेआर में निकालें। हाँ, पीकेआर में आप निकालें वही पैसे पड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो इंटरनेशनल अकाउंट होते हैं ना, खासतौर पर जिस बैंक का आपने नाम लिया, ठीक है, भरोसा नहीं किया जा सकता कभी भी, इतना लॉन्ग टर्म तक भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले था भरोसा, मुझे भी था, मैंने पैसे भी उसके अंदर रखे, डॉलर बढ़ जाएगा तो निकाल लेंगे हम, इस तरह भी हमने किया। लेकिन अभी रिसेंटली सुना है कि लोगों के प्रीमियर बंद हो रहे हैं, किस रीज़न की वजह से बंद हो रहे हैं ये अभी समझ नहीं आया, लेकिन दो लोगों के बंद हुए हैं प्रीमियर के अकाउंट जिसके अंदर पैसे थे। ऐसा नहीं है कि सारे चलेगा, ईमेल वगैरह को प्रोसेस होगा वो आप करेंगे, दोबारा खुल भी जाता है अकाउंट, मेरा भी डीएक्टिवेट हुआ था लेकिन दोबारा ओपन हो गया, ईमेल वगैरह उनको करिए, उनसे लाइव सपोर्ट पर बात करिए, चैट पर बात करिए। अभी का अकाउंट नहीं है मेरा, 2014 का मेरा अकाउंट चल रहा है, 2014 भी नहीं, 2012 का मेरा अकाउंट चल रहा है, मेरा अकाउंट चल रहा है, एक ही अकाउंट है मेरे पास। देखिए, जो एफ बी आर की जो आप मालूम था ना, ये सब आप ऑनलाइन खुद ही फिल कर सकते हैं, इसकी कुछ वीडियोस भी एफ बी आर की उसके ऊपर अपडेटेड हैं। हाँ हाँ हाँ, वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, उसके लिए वकील आया था, उसका काम है सबमिट कर देगा साल में। हाँ, कौन सर का दर्द पाले, फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो खुद ही अपने टेक्निकल भी तो होता है, वो कहाँ खेल नहीं हायर किया हुआ, वो खुद ही वो कर देता है, ठीक है जी। अच्छा, और आगे आते हैं, फिर यहाँ पर आपका आ गया एड्रेस, आ गया करेंसी, आ गया अकाउंट मेथड, आ गया हाउ टू पे मैनुअल, आ गया बैंक ट्रांसफर,